पहचान धन्य पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व में वही जीव धन्य है जिसने अपने वास्तविक स्वार्थ को जान लिया। स्वार्थ शब्द का अर्थ करते हुए आप लोगों को यह बताया गया कि स्व का तात्पर्य है आत्मा और अर्थ का तात्पर्य है उद्देश्य। आत्मा का जो उद्देश्य है उसको जो प्राप्त कर ले वही व्यक्ति धन्य है, अथवा उससे बड़ा कोई धन्य हो ही नहीं सकता। उस आत्मा के विषय में भी आप लोगों को बताया गया कि आत्मा क्या है, ऐसा प्रश्न कभी न करना। कोई महापुरुष या स्वयं भगवान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, और अगर देंगे भी तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मा बुद्धि से परे है। केवल शास्त्रों वेदों के आधार पर आप इतना समझ लीजिए कि आत्मा भगवान की शक्ति रूप है, इसलिए उनका अंश है, इसलिए उनका दास है, और ये नित्य दास है। और भी अनेक प्रकार की परिभाषाएं आत्मा की बताई गई, पश्चात यह भी बताया गया कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। इन तीन अभिन्न तत्वों पर भी गंभीर विचार किया गया, और अंत में ये निश्चय पर हम पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण ही अद्वैय ज्ञान तत्व एवं आत्मा के प्राप्तव्य हैं। समस्त शास्त्रों वेदों में श्री कृष्ण की प्राप्ति का ही उपाय बताया गया है, अतएव इस आत्मा का संबंध केवल श्री कृष्ण से ही है, और वह संबंध केवल जीव का नित्य दासत्व का है। इसके बाद अभिधेय भी आपको समझाया गया, अर्थात किस साधन से वो साध्य प्राप्त होगा, वो उपाय क्या है। वो एक ही उपाय है, अनेक उपाय होते तो उसमें झगड़ा रहता। केवल भक्ति से ही भगवान प्राप्त हो सकता है,
भक्ति से ही माया निवृत्ति हो सकती है। इन दोनों वाक्यों को याद रखिएगा, क्योंकि दो ही लक्ष्य विश्व में किसी का बन सकता है, या तो मोक्ष चाहेगा या तो भगवान की नित्य सेवा चाहेगा। तो मोक्ष भी केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है, और कोई मार्ग नहीं। जितने भी साधन हैं उन साधनों का फल भी भक्ति से ही मिलता है। भगवान ही कर्म का फल देते हैं, भगवान को कौन चैलेंज कर सकता है। कोई व्यक्ति कर्म धर्म यज्ञ दान करता है, मरने के बाद उसको तो याद रहता नहीं, और रहे भी तो अपने आप कहां से फल ढूंढ के लाएगा। भगवान ही उसको स्वर्ग भेजे या मृत्युलोक में फल दे, तो कर्म ज्ञान भक्ति या कोई भी तपश्चर्या आदि जो भी साधन है उनका फल भी भक्ति ही देती है। अतएव एकमात्र भक्ति ही अभिधेय है। और प्रयोजन तत्व भी आपको बताया गया कि वो प्रयोजन है प्रेम महाधन, प्रेम प्राप्त करना है, और वो प्रेम नित्य सिद्ध है, साधन साध्य नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। गौरांग महाप्रभु करते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध अनाद, उनकी परम अंतरंग लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है। समस्त ब्रह्मांड प्लस परव्योम प्लस गोलोक पर शासन करने वाले श्री कृष्ण भगवान भी प्रेम के अंडर में हो जाते हैं। इतनी महान शक्ति है वो प्रेम। वह प्रेम हमारा एम है, हमारा उद्देश्य है। और यह भी बताया गया कि उस प्रेम से हम क्या करेंगे। हम उस प्रेम से प्रियतम की सेवा करेंगे, श्याम सुंदर की सेवा करेंगे। सेवा सेवा सेवा, केवल एक लक्ष्य। अब इसके आगे चलिए। ये तो आप लोग समझ गए कि श्री कृष्ण आत्मा के संबंध तत्व, यानी श्री कृष्ण ही एकमात्र संबंधी हैं। नंबर दो, भक्ति से ही साध्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो तीन चीज, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, प्रेम, तीन महाधन, तीन बात हमको समझना है। हमारा संबंध क्या है श्री कृष्ण से, उस संबंध के बाद संबंधी से कैसे मिला जाएगा, और मिलने के बाद उनसे क्या मांगा जाएगा। वैसे मांगा जाएगा, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मांगना मांगना तो वहां आवश्यक होता है जहां लोग अल्पज्ञ होते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी, वहां हम लोग मांगा करते हैं, अरे भाई हमको ये सामान चाहिए, और वो पूछा भी करता है। वैसे तो भगवान भी एक्टिंग में पूछते हैं, बेटा बर मांगो, और भक्त लोग भी कहते हैं ठीक है प्रभु की यही इच्छा है एक्टिंग करने की, तो हम भी मांगते हैं। तो दोनों एक्टिंग करते हैं, वैसे दोनों सर्वज्ञ हैं, दोनों अंतर्जामी हैं, उनको न मांगना है न उनको बताना है न उनको कोई बात है, लेकिन फिर भी ये सब लीला क्षेत्र में होता है। भगवान कहते हैं काग भुसुंडी मांगू बर, बर मांगो, और वो मांगते भी हैं, अविरल भक्ति विशुद्ध तव, सब महापुरुषों ने मांगा है। तो इसलिए अगर भगवान को इसी में खुशी है तो पहली सेवा यही सही। वो कहते हैं बर मांगो, मुझे नहीं मालूम तुम क्या चाहते हो,
तो हम भी कह देंगे ठीक है महाराज, आपको नहीं मालूम तो हम बताए देते हैं। दोनों एक्टिंग करते हैं लीला क्षेत्र में। भगवान राम पूछते हैं हनुमान से, तुम कौन हो? हनुमान जी पूछते हैं राम से, तुम कौन हो? वाह क्या बढ़िया मजाक कि तुम तीन देव मह कोई। और पूछ पाछ करके एक्टिंग जब खत्म हो गई तब असली बात कह दिया हनुमान ने, मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम कस पूछिए नर की नाई। ये हनुमान जी ने कहा, गलत कहा। हनुमान जी का ये कहना सही नहीं है, क्योंकि तुम कैसे नहीं जानते? इसका जवाब उन्होंने दिया, तव माया बस फिर भुलाना, ताते नाथ न मैं पहचाना। आपकी माया से मैं भूल गया, इसलिए आपको पहचान नहीं सका, इसलिए मैंने पूछा आप कौन है। हाँ ये सही है, ये सही है। अभी तो आप कह रहे थे गलत है, क्यों पूछा हनुमान ने? उनको भी सब मालूम है। अरे वो भगवान के पार्षद हैं, उनको क्या नहीं मालूम? जितनी शक्तियां भगवान के पास, उतनी सारी शक्तियां महापुरुष के पास रहती हैं। फिर वो तो अनादिकाल के परिकर हैं, भगवान शंकर हैं। क्या नहीं जानते हो? हाँ नहीं जानते, क्यों? माया से भुलाए गए हैं, माया से भुलाए गए। अरे माया तो वहां फटक नहीं सकती महापुरुष के पास, वहां काम माया माया की गति है। ये माया नहीं, एक और माया है, तव माया बस फिर भुलाना। एक भगवान की व्यक्तिगत माया है, उसको योग माया कहते हैं। तो अपने भक्तों के साथ जब क्रीड़ा करते हैं तो वो स्वरूप शक्ति रूपा योग माया भगवान को भी भुला देती है, भक्त को भी भुला देती है, तब दोनों का रस आगे बढ़ता है। अगर दोनों अपने अपने स्मरण में रहे तो फिर एक्टिंग लीला ही ना हो कोई। इसलिए दोनों भूल जाते हैं, यशोदा भी भूल गई कि मैं महापुरुष हूं, श्री कृष्ण भी भूल गए कि मैं भगवान हूं। दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल गए। प्रभु तारु तार कपिदार पर, भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे हैं, हनुमान जी वगैरह ऊपर बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के यहां ये अंधेर? अरे कृष्णा अवतार में हो तो कोई बात नहीं। हाँ वो क्या करें, मजबूरी है। योग माया ने दोनों को अपना स्वरूप भुलाया है। भगवान को भगवत्ता भूल गई, महापुरुष को महापुरुषत्व भूल गया। केवल इतना याद है वे मेरे स्वामी हैं, और ये स्मरण करते करते यहां तक अवस्था हो जाती है कि मैं स्वामी हूं। रामकृष्ण परमहंस हाथ में माला लेकर जब देवी को पहनाने के लिए उठाते थे तो देवी का स्मरण करते 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 बजाय देवी की मूर्ति के अपने आप पहन लेते थे। आम पब्लिक हंसती थी, ये पागल हो गया है। वो तदरूप हो जाता है। महाराष्ट्र में जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो गोपियों ने श्री कृष्ण का अभिनय किया। वो एक्टिंग नहीं है, नाटक नहीं है, वो भावावेश क्लास की समाधि का विषय है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। अब आप साधारण बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके काम की है, अर्थात भक्ति से भक्ति मिलेगी।
प्रेम मिलेगा। तो एक भक्ति आपको करनी है, वो अभिधेय जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, साधना। जो भक्ति करनी है बस उसको समझना है हमको, और ज्ञान भूल भी जाए न भूले तो बहुत अच्छा है। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते नौक और ओलोस। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि देखो सिद्धांत ज्ञान में लापरवाही न करना है कि हमको क्या करना है। तुम्हारी भक्ति संबंधी ज्ञान जितना आवश्यक है वो पक्के तौर से सदा रहना चाहिए। तुम्हारा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, निष्कामता क्या है, अनन्यता क्या है, ये जितनी आवश्यक चीजें हैं तुम्हारे मार्ग की, उसकी थियरी, उसका तत्व ज्ञान सदा साथ रहना चाहिए। उसको बार बार मनन करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। हम तो राधे राधे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कुसंग मिला कि फिर तुम गिर जाओगे। और अगर तत्व ज्ञान परिपक्व होगा तो तुमको कुसंग कहीं सुनने में भी आ जाए तो हंस दोगे, अरे बेचारे कुछ जानते वानते नहीं है बच्चे। इसलिए तत्व ज्ञान परम आवश्यक है, अनावश्यक तत्व ज्ञान नहीं। जितना अपने मार्ग में आवश्यक है उतना, वो भक्ति क्या है जिसके द्वारा प्रेम मिलता है, उसका नाम है साधना भक्ति। साधन भक्ति, साधना भक्ति यानी करने वाली भक्ति। वो भक्ति बहुत प्रकार की होती है वैसे तो, लेकिन प्रमुख रूप से वैष्णवाचार्यों ने नवधा भक्ति मानी है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, भागवत। इसी नवधा भक्ति पर अधिक जोर दिया गया है। ये नौ प्रकार की साधना भक्ति है जो सर्वप्रथम जीव को करनी है। किस लिए? प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो क्या साधना भक्ति से प्रेम मिलेगा? नहीं, साधना भक्ति से प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको साधना भक्ति पैदा करेगी। जैसे बीज से अंकुर पैदा होता है फिर पेड़ बन जाता है, ये पेड़ किससे बना? बीज से। तो ऐसे साधना भक्ति से प्रेम बनेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है। साधना भक्ति क्या बनाएगी उसको? अनंत कोटि कल्प कोई आंसू बहाता रहे तो अपना आंख फोड़ो, हमसे क्या मतलब। प्रेम तो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है, उससे आपके इस जड़ प्राकृत अंतःकरण से कोई संबंध ही नहीं, वो इसमें ठहर ही नहीं सकता, आधार ही नहीं है उसका। जिसमें नीचे की पेंडी गायब हो, ऐसे बर्तन में आप दूध वगैरह कोई मांगे तो देने वाला पागल और लेने वाला पागल। तो प्रेम नाम की वस्तु पैदा नहीं हुई है साधना भक्ति से। फिर साधना भक्ति क्यों की जाती है जी? जब प्रेम कृपा साध्य है, साधन साध्य है ही नहीं, तो साधना भक्ति क्यों करवा रहे हैं हमसे आप? फिर भगवान या महापुरुष उसको दे दे, सीधे सीधे छुट्टी मिली। कहां दे दे? अरे कहां दे दे, अंतःकरण में। पर अंतःकरण तुम्हारा माइक है, उसमें अमाइक वस्तु नहीं ठहर सकती। अमाइक दिव्य
बार बार आपको बताया जा रहा है कि प्रेम दिव्य तत्व है जिसके अंडर में भगवान रहता है। दिव्य तो अनंत वस्तुएं हैं भगवान की, सब भगवान के अंडर में है, लेकिन एक प्रेम ऐसी शक्ति है जिसके अंडर में भगवान रहता है, यानी उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, प्रेम भक्ति कभू ना दे राखे लुकाइया। अगर कोई संसार के वैभव ब्रह्मलोक तक के अथवा मुक्ति मांग लेता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ छुट्टी मिली। भक्ति को छुपाए रखते हैं, लुकाए रहते हैं। अब अगर कोई सच्चे गुरु का चेला पक्का है, वो कहता है रहे जी ये मुक्ति भुक्ति हमको नहीं चाहिए, अब आप चले जाइए। अरे आपसे मैंने एक चीज मांगा और आप हमको पट्टी पढ़ा रहे, और आप कहते हैं जो मांगेगा वो हम देंगे, तो मत दीजिए, उसकी कोई परवाह नहीं, मेरे पास तो विरह के आंसू है बस, पर्याप्त है अनंत काल के लिए, मुझे आपकी परवाह नहीं है, धौंस न बताओ। अगर देना है तो वो प्रेम दो जिससे परे कोई तत्व नहीं। तो साधन भक्ति से प्रेम मिलता है, ये वाक्य सही है, लेकिन साधन भक्ति का फल नहीं है प्रेम, साधन भक्ति का साध्य नहीं है प्रेम, साधन भक्ति जननी नहीं है प्रेम की। जैसे ज्ञान की जननी है भक्ति, जनयत्याशु वैराग्यम, वैराग्य की जननी है भक्ति, ऐसे प्रेम की जननी नहीं है। फिर साधना भक्ति क्यों की जाती है? मान लो ज्ञान भी हो गया वैराग्य भी हो गया, इससे क्या काम बनेगा? फिर वही के वही खड़े। इससे पात्र बनेगा, बस एक उत्तर, साधना भक्ति से अंतःकरण का वह पात्र बनेगा जिस पात्र में वो दिव्य प्रेम ठहर सके। अगर आप लोगों को उस दिव्य प्रेम का एक आभास भी दे दिया जाए तो आपका शरीर फट के चूर चूर हो जाए, जल जाए, राख हो जाए, सहन करने की शक्ति नहीं है आपके शरीर में मन में, क्योंकि ये माइक वस्तु है। एक आंसू बहाता है तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, गोपियां, एक आंसू यहां भी आप लोग बहाते हैं कभी कभी, लेकिन आपके आंसू और उनके आंसू में कितना बड़ा अंतर है ये आप सोच नहीं सकते। अभी तो असली आंसू पाने के लिए आप आंसू बहा रहे हैं, ये मत समझिएगा कि मेरे आंसू भी वैसे हैं जैसे किशोरी जी रोया करती थी। अरे किशोरी जी के आंसुओं की परिभाषा पता है? बता दूं, औरबस्तो मात कटुरपि कथम दुर्बले नो रसा में ताप प्रौढ़ो हरि बिरह जस सहजते तन न जाने, निष्कांता चेत भवति हृदयात् जस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। अगर किशोरी जी के उस विरह के टेम्परेचर का धुआं जो आग जलती है उसका ऊपर एक काला काला धुआं सा दिखाई पड़ता है आपको, उसके ऊपर छाया सी दिखाई पड़ती है, उसको आभास कहते हैं, तो उस
वास्तविक ज्वाला के धुए का आभास भी अगर किशोरी जी योग माया की शक्ति से हमेशा न रोके रहे, कहीं बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए। ये बहुत बारीक बातें हैं। तो आप इतने समझ लीजिए कि साधना भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होगी प्लस दिव्य बनेगा। दो बात, एक एक शब्द पर ध्यान दो। अंतःकरण की शुद्धि होगी प्लस दिव्य बनेगा। अंतःकरण की शुद्धि आत्मज्ञानी की भी होती है, ज्ञान मार्ग में भी होती है, कर्म मार्ग में भी होती है। अंतःकरण शुद्धि से खाली काम नहीं बनेगा। भक्ति के द्वारा जो अंतःकरण शुद्धि होती है उसमें अंतःकरण दिव्य बन जाता है। ये विशेष बात भक्ति मार्ग में है, ये बात ज्ञान मार्ग में नहीं है। इसलिए वास्तविक अंतःकरण शुद्धि भक्ति से ही होती है, ऐसा ज्ञानी लोग भी बोलते हैं। वस्तुतः बुद्धि शुद्धि नहे कृष्ण भक्ति बिने। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भाई असल में तो बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो ये कृष्ण भक्ति के बिना नहीं हो सकता। क्यों? थोड़ा और गहराई में चलो। देखो, दो प्रकार की माया होती है, एक अविद्या एक विद्या। तो रजोगुण तमोगुण ये अविद्या है और सत्वगुण ये विद्या माया है। तो ज्ञानियों का, जो आत्मज्ञानी है, उन लोगों का रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाता है, यानी अविद्या माया समाप्त हो गई, विद्या माया बनी रहती है। विद्या माया में एक कमाल भी है, विद्या माया से उस सत्वगुण से इतना बड़ा आनंद मिलता है ज्ञानी को कि वो बेचारा समझता है बस इसके आगे और कोई आनंद हो ही नहीं सकता। ध्यान दो, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो आनंद है उससे बहुत बड़ा आनंद होता है वो सत्वगुण का, ज्ञान का, समाधि का। सत्वात् संजायते ज्ञानम्। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम्, भागवत। वो विद्या माया होते हुए भी इतना आनंद मिलता है क्योंकि रजोगुण तमोगुण चला गया तो काम क्रोध लोभ मोह भी चले गए, वो शांत हो गया। न सोचती न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु। ये अवस्था है जब अविद्या नष्ट होती है। लेकिन माया बनी है अभी, वो गई नहीं है। और जरा चल लापरवाह हुआ रजोगुण तमोगुण में ढकेल देगी उस जीव को और फिर अविद्या हावी हो जाएगी। बड़े बड़े ज्ञानी आत्मज्ञानी, उनका पतन हुआ, इतिहास साक्षी है। तो जैसे आप पेड़ काट दीजिए और जड़ है नीचे, अब सब देख रहे हैं पेड़ खत्म हो गया, चलो छुट्टी मिली। अरे वो पेड़ हो तैयार हो रहा है, वो फिर तैयार हो रहा है। एक छोटी सी घास दूब रोज छीलते जाओ फिर निकलती जाती है, छीलते जाओ। एक एक फुट गहराई तक की मिट्टी निकाल दो फिर भी वो निकल आती है, ऐसी जड़ है माया की। तो ये विद्या माया ने अविद्या माया को नष्ट कर दिया तो वो व्यक्ति समझता है वो सत्वगुण के आनंद को पाकर
कि ऐसा अनंत अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति में नहीं मिल सकता। बस यही है वास्तविक परमानंद, धोखे में पड़ जाता है। इसलिए उसको भागवत ने कहा है, ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानी ना, वो विमुक्त मानी हो गया। विमुक्त मानी माने जो सचमुच तो मुक्त नहीं हुआ है लेकिन अपने को मुक्त मान रहा है धोखे में। उसका गुरु गलत है, अधूरा है, इसलिए गुरु ने उसको समझाया नहीं। अरे अरे अभी मत रुक, अभी तो आधा रास्ता पार हुआ है बुद्धू, खाली अविद्या नष्ट हुई है, विद्या नष्ट नहीं हुई। तो विद्या को नष्ट करने के लिए तो साधना भक्ति वाले को तो भक्ति करना ही है, ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ती है। ये जो भक्ति कंपलसरी बताई गई है सबके लिए, यानी ज्ञानी के लिए भी, वो इसलिए कि ये विद्या माया नष्ट नहीं हो सकती बिना श्री कृष्ण भक्ति के, बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के। तो अंतःकरण साधना भक्ति करते करते पहले आधा शुद्ध होता है, विद्या अविद्या को नष्ट करती है, तब स्वरूप शक्ति का आविर्भाव होता है अंतःकरण में। तो वो स्वरूप शक्ति विद्या माया को नष्ट करती है, तब अंतःकरण ऐसा शुद्ध हो गया कि आप कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। जड़ कट गई, क्योंकि विद्या अविद्या दोनों माया चली गई। अब वो चैलेंज कर सकता है, अब मैं तो ही जानो संसार, बांधी न सक गई मोहि हरि के बल। तुलसीदास चैलेंज कर रहे हैं, हर जगह तो रोते रहे, हाय मुझे माया लगी बचाओ, माया लगी बचाओ, और एक जगह आ गए असलियत में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये विद्या माया चली गई है मेरी, मैं क्यों डरूं। इसलिए हरि के बल, वहां हरि का बल का मतलब स्वरूप शक्ति का बल। वो स्वरूप शक्ति के कारण अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, आप पात्र बन गया प्रेम के लिए। मैंने बताया था ना, वो दिव्य वस्तु है प्रेम। वो कहती है कि हमको आधार दो, हमारे वेग को जो सह सके वो आधार दो, वरना हनुमान जी की तरह जे ही गिरी पैर दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी के भार को कोई पर्वत सह ही नहीं सका। वो जिस पहाड़ पे जंप करें कि यहां से लंका को जंप करें, एक जंप में पहुंचे, वो पहाड़ ही चला जाए पाताल में। ऐसे ही जब तक पात्र न हो तब तक हमारे देश में तमाम ऐसे कमजोर पुल बनते हैं, अधिक भीड़ हो जाएगी चला गया नीचे हो। कई छतें मकानों की होती हैं, जुलूस जा रहा है और छतों पर बारजा में लोग बैठे हैं, एक में एक सटे हुए और टूट गया हो, तो भार सहने की शक्ति हो। तो प्रेम नाम की दिव्य वस्तु उस दिव्य अंतःकरण में आएगी जब अंतःकरण को साधना भक्ति के द्वारा अविद्या और विद्या दोनों मायाओं को स्वरूप शक्ति समाप्त कर देगी। एक कंक्लूजन, इसलिए साधन भक्ति से प्रेम मिला यह भी ठीक, क्योंकि साधन भक्ति न करते तो स्वरूप शक्ति कैसे मिलती, उसकी कृपा कैसे होती। तो साधन भक्ति से प्रेम मिला यह वाक्य भी सही, और साधन भक्ति से प्रेम नहीं मिला
साधन भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हुआ, पात्र बना, प्रेम तो मिला उस स्वरूप शक्ति के कारण। अब वो गुरु के द्वारा मिले कैसे ही मिले, लेकिन बर्तन हमको बनाना पड़ेगा, पात्र बनाना पड़ेगा, अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, वो साधना भक्ति करनी पड़ेगी। वो भक्ति नौ प्रकार की है। नौ में आप नौ कीजिए, आठ कीजिए, सात कीजिए, छह कीजिए, पांच कीजिए, चार कीजिए, तीन कीजिए, दो कीजिए, एक कीजिए, ऐसा रियायत आपको दी गई है। अगर एक कीजिए तो स्मरण कीजिए, ध्यान दो, मनेर स्मरण प्राण। ये स्मरण जो है ये समस्त भक्तियों का प्राण है। देखो आपके शरीर में जब तक प्राण है तो न कोई गीध आपके ऊपर मंडराता है, न कौवा मंडराता है, न कोई कुत्ता आता है आपके शरीर को खाने के लिए। आप कहीं भी जा रहे हैं आराम से, ठीक है। और जब ये प्राण निकला तो आपकी लाश चाहे जहां सड़क पर पड़ी हो, बिना बुलाए गीध आ जाएंगे, कौवे आ जाएंगे, उनको मालूम पड़ जाता है कि इसमें प्राण नहीं है। कोई पशु की लाश आप छोड़ दीजिए और पचासों सैकड़ों गीध कहां से आ गए, पहले तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे आकाश में। उनकी बड़ी दिव्य दृष्टि होती है, इस विषय में तेज दृष्टि होती है, मुर्दे को पहचानने की, उनकी खुशबू से जान लेते हैं। तो जैसे प्राण गया तो ये शरीर शव हो गया, उसी प्रकार स्मरण भगवान का अगर छोड़ दिया तो फिर हजारों भक्ति किए जाओ, हजारों भगवान का नाम लिए जाओ, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हजारों जन्म करते जाओ, क्या कर रहे हो, राम 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 राम, काका काका से क्या होगा, कौन है राम ये नहीं मालूम। अरे तो यही नहीं मालूम है राम कौन है, श्याम कौन है, तो तुम किसकी साधना भक्ति किसकी कर रहे हो। ये भक्ति है ही नहीं, ये तो अपना एक जैसे गाने वाले आ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसे आपने राम राम की प्रैक्टिस कर ली। इससे क्या होता है, ये तो इंद्रियों का वर्क, इंद्रियों का वर्क भगवान नोट ही नहीं करता। उस इंद्रिय के वर्क में कितने परसेंट मन का अटैचमेंट है ये नोट करता है भगवान। तो स्मरण अगर एक भक्ति करना है तो केवल स्मरण, अब दो करना है, तीन करना है तो मैंने आपको बताया था कि स्मरण के साथ श्रवण, गुरु के द्वारा, महापुरुष के द्वारा, और कीर्तन, ये दो और साथ रख लो। और फिर इसके अलावा भी नमस्कार करना, वंदन करना, ये सब भी रखो, उससे कोई हानि नहीं, जिसमें आपकी रुचि हो, लेकिन स्मरण कंपलसरी है। मैं एक बार अपना हाल बताऊं, संस्कृत की परीक्षा दे रहा था मैं, उसमें पेपर में लिखा था कि छह प्रश्न में पांच आवश्यक है, छह प्रश्नों में पांच प्रश्न करो लेकिन तीसरा अवश्य करो। और हबड़ हबड़ में, बड़े अहंकार में हमने उसी को छोड़ दिया, बाकी सब कर दिया। यानी पेपर को पढ़ा भी नहीं ढंग से, इतनी क्यों, एक बीमारी थी हमको लड़कपन में कि हम सबसे पहले निकले परीक्षा दे करके, आधा घंटे में पौन घंटे में सब कर करा करके बाहर, जब कोई ना आवे तो हम खड़े रहे, अरे भाई बड़ी देर लगाया तुमने तो। बेवकूफी की बातें हैं लेकिन थी,
कोई बात हो, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हमसे आगे कोई जाए हमको बर्दाश्त नहीं, अब कोई ना कोई तो रहेगा आगे, बस इसी उहापोह में पूरा सफर तय हो। तो जब मैं बाहर आया तो उसके एक घंटा बाद, डेढ़ घंटा बाद और हमारे क्लास फेलो निकले, तो किसी ने हमसे पूछा वो तीसरे क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में आपने त्रिपाठी जी क्या लिखा है। हमने कहा उसको मैंने किया नहीं, बड़े कॉन्फिडेंस से हमने कहा। उन्होंने हम कहा अपना पेपर दिखाइए, हमने पेपर दिखाया तो ट्रिक मार्क उस पर था ही नहीं। तो कहने लगे त्रिपाठी जी आज धोखा खा गए आप, जरा पढ़िए तो ऊपर की लाइन। पढ़ा, बड़ा धक्का लगा, उस धक्के का अनुभव इस समय तो नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि जो क्वेश्चन 100% हमको आ रहा है अब वो बेवकूफी से छूट गया। अब 20 नंबर का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो करने थे। हाँ, जरा सी लापरवाही करो तो इसी प्रकार ये अनंत जन्म हमारे नष्ट हुए हैं। एक चीज जो है भगवान का स्मरण, उसी को हमने छोड़ दिया और बाकी सब किए जा रहे। चारों धाम की मार्चिंग भी हो रही है, पाठ भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, जन्माष्टमी भी मनाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। अरे साहब बड़े भगत हैं। अरे बड़े भगत क्या हो, अभी वो भक्ति की परिभाषा ही नहीं जानते, कहां से बड़े भगत हो गए। टाइम लगा रहे हैं बहुत, ये अवश्य है। तो स्मरण सबसे प्रमुख है। गौरांग महाप्रभु ने दो प्रकार का साधन बताया है, एक अनासंग साधन, एक सासंग साधन। तो अनासंग साधन माने आसंग रहित, और सासंग साधन माने आसंग सहित, और आसंग माने मन का चिंतन भगवान का हो, मन का संग भगवान के रूप ध्यान में हो, वो साधना सासंग साधना है। अनासंग साधना के लिए उन्होंने कहा करोड़ कल्प किए जाओ, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये अलग बात है कि कोई कहे साहब नथिंग से समथिंग अच्छा है, ठीक है, गधा गधा कहने से राम राम कहना अच्छा ही है, लेकिन ये साधना नहीं है। फिर आप जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमको तो बहुत दिन हो गए, कुछ लड्डू पेड़ा मिला नहीं। तो जब साधना ही गलत हो रही है तो माइलस्टोन तुम्हें कहां मिल जाएगा कि हम 10 मील चले आए, 20 मील चले आए। अरे मार्ग से आगे बढ़ो, तुम तो एक ही जगह पर खड़े खड़े मार्चिंग कर रहे हो। हाँ, तो सासंग साधन यानी स्मरण भक्ति सबसे प्रमुख है, और स्मरण भक्ति कहीं भी किसी भी पोजीशन में सदा की जा सकती है। ये भी रियायत दे दिया भगवान ने, लेट्रीन में बैठे हैं 10 मिनट बैठना है उसमें, रूप ध्यान करो, फालतू टाइम न खराब करो। कहीं भी जाओ, ट्रेन में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, 12 घंटे ट्रेन में चलना है, हाँ यहां से उस पहुंचने तक बीच में कोई काम खास है, एक जगह चाय पीना है, कब, 2 घंटे बाद पियेंगे, अच्छा अब 2 घंटे तो कोई काम नहीं, नहीं स्मरण करो, आंख खोल के स्मरण करो, नहीं तुम्हारा सामान उठा लाज ले जाए कोई, और कहो कृपालु ने कहा है आंख बंद करके रूप ध्यान करो। यानी तुम्हारे मस्तिष्क में पहले ये खूब भरना चाहिए कि स्मरण भक्ति ही वास्तविक भक्ति है, स्मरण के बिना कोई भी साधना साधना कैसे कहलाएगी। साधना का मतलब हम दास, वो स्वामी, जब स्वामी ही नहीं आया हमारे अंतःकरण में तो हम भक्ति कहां कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। अरे बड़ी सीधी सी बात है,
जिसकी भक्ति करना है उसको पहले बुलाओ तो। और वो कहता है कि भाई हमको बुलाने में तुम्हें कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो रूप अच्छा लगे मन को वो बना लो, जो श्रृंगार अच्छा लगे वो कर लो हमारा। ये पूजा होती है मंदिरों में, आप अपने घरों में भी मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा है। लेकिन इस पूजा में कई अड़चनें आती हैं। सबसे पहली अड़चन तो ये है कि चाहे वो अरबपति हो, अब उसकी इच्छा आज हुई कि श्याम सुंदर को ऐसा हार पहनाए जैसा हार दुनिया में किसी के पास ना हो, इतनी चमक हो उसमें। लेकिन दुनिया में हो है ही नहीं तो कहां मिलेगा, स्वर्ग में है, स्वर्ग से कौन लाए भाई। और 99% लोग तो हीरे का हार भी नहीं पहना सकते श्याम सुंदर को, 10-10 लाख का एक एक हीरा तो बेचारे कहां से वो पहना पाएंगे। तो मानसी सेवा सर्वोच्च सेवा है। मैंने आप लोगों को कभी मूर्ति पूजा का उपदेश नहीं दिया कि उसमें आप परेशान होंगे और टेंशन हो जाएगा आपको, आज ये नहीं है, आज ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, लड़ रहे हैं कहीं बीवी से कहीं बच्चे से। अरे क्यों परेशान हो, मन से सोचो श्याम सुंदर आ गए, अब उनको ऐसा कपड़ा पहनाओ जो तुम्हारी बुद्धि का आखिरी आइडिया हो और दुनिया में कहीं नहीं बनता हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, खरीदने के लिए एक कपड़ा मिलता है अमेरिका में वो लाके पहनाएंगे श्याम सुंदर को, अरे एक महीना वो नंगे रहेंगे क्या। तुरंत पहनाओ, मन से बनाओ, बस जैसा चाहे वैसा बनाओ, क्षण क्षण में बदलो। कितने कोई स्वर्ग का सम्राट हो वो भी मानसी सेवा के बराबर सेवा नहीं कर सकता, मृत्यु लोक वाला क्या करेगा बेचारा। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि ऐसे ही एक महात्मा उपदेश दे रहे थे मानसी सेवा की, तो एक बेचारा भोला भाला बैठा था, सुन रहा था, गरीब था, तो उसने कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा है, मानसी सेवा किया करेंगे अब तो, क्योंकि हमारे पास तो खाने पीने का भी हिसाब नहीं बैठता है, और ठाकुर जी को हम श्रृंगार करें, उनको ये सब करें, हो नहीं सकता बाहर देश से सामान से। तो रोज अपना बैठ करके वो अपने ध्यान में ठाकुर जी को नहला रहा है, धुला रहा है, और सारे तीर्थों का जल ला के उसमें अनेक प्रकार के इत्र डाल करके और उसका टेम्परेचर मौसम के अनुसार बना करके और किस प्रकार से ठाकुर जी को नहला रहा है, सब अपनी भावना से अपना रोज किया करता था। एक दिन उसने उसी भावना से सोने की थाली मंगाई, उसमें हीरे जड़े हुए थे, उसमें कटोरियां रखी, उसमें एक एक सामान रखा मन से ही, और रख के थाली हाथ में लिया और श्याम सुंदर सामने बैठे हैं उनके पास ले जाने के लिए, जैसे आगे बढ़ा तो देखा कि थाली गर्म है, तो उसने सोचा कि लगता है कि थाली में रखा हुआ सामान अधिक गर्म है, तब तो थाली गर्म हो गई, तो ये श्याम सुंदर अगर कहीं पहले रोज की तरह आदत पड़ी रही और एकदम से उन्होंने डाल लिया मुंह में तो मुंह जल जाएगा उनका। मैं इसका शिकार हो चुका हूं बहुत बार, मुझे विश्वास रहता है कि ये लोग खाना जो लाएंगे समझ बूझ के लाएंगे, अभ्यस्त है, एक आदमी हमेशा बनाता है, कभी कभी ये लोग भी गरम गरम दे देते हैं कोई चीज, हम ठाट से उसको रख लेते हैं मुंह में, बाद में मालूम पड़ता है। तो उसने उसे मन से चिंतन कर रहा है, अपनी उंगली डाली एक कटोरी में, कितना गर्म है वो खाना, तो उंगली जल गई उसकी, वैसे ही मन से चिंतन कर रहा है, उंगली जल गई, जलने के बाद उसने कहा कि अरे गर्म तो है सो है, अब उंगली डाल दिया हमने, अब ठाकुर जी को कैसे खिलाएंगे इसको, अब दूसरा खाना बनाएंगे। इतने में समाधि खुल गई,
वो चिंतन की धारा कट गई, आंख खोल दिया, देखा उंगली जली हुई, प्रत्यक्ष जली हुई। फिर नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि तुम्हें एक भक्त दिखावे, उन्होंने कहा हाँ दिखाइए। तो उसको बुलाया और कहा कि देखो इसकी उंगली जली हुई है, ये कैसे जली है जरा पूछो। मानसी सेवा सबसे बढ़िया, मानसिक रूप ध्यान, मानसिक सेवा, जैसी इच्छा हो आठों जाम करो, कोई परेशानी की बात नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सामान बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। तो स्मरण सबसे बड़ा साधन, भक्ति का स्वरूप। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जाच्युत सर्वे विधि निषेधाश्चूरेते और किंकराः। वेद व्यास कहते हैं देखो विधि निषेध ये दो चीजें वेद में लिखी हैं, विधि माने ये करो ये करो ये करो, निषेध माने ये ना करो ये ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। तो वेद में जो विधि निषेध लिखा है उसको तुम छोड़ो, चारों वेद के चक्कर में ना पड़ो, हम बताएं वो विधि निषेध मानो। क्या विधि? निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण एक विधि, और निषेध क्या? श्री कृष्ण का विस्मरण न होने पाए, वो भूलने न पाए, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अगर एक क्षण को भी भूल जाए तो व्याकुल हो जाओ। सदा स्मरण करना यही विधि, और विस्मरण न होने पाए यही निषेध। अगर ये दो चीज तुमने कर ली तो वेद अपना जो कानून का डंडा लिए घूम रहे हैं वापस लौट जाएंगे, वो फिर नहीं आएंगे आपके पास कि देखो जी मैं कानून बताऊं तुमको क्या विधि क्या निषेध है। देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम न किं करो, वो किसी का गुलाम नहीं शास्त्र वेद का। तो ऐसा है ये स्मरण भक्ति का स्वरूप। वो भक्ति दो प्रकार की होती है, एक बैढ़ी एक रागानुगा। बैढ़ी भक्ति वालों को भी नवधा भक्ति करना है, रागानुगा भक्ति वालों को भी नवधा भक्ति करना है। तो फिर अंतर क्या है? फिर कभी बोलिए लाडली लाल की। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, 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 हमारो धन राधा कृष्ण राधा, हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा।